बिलासपुर के पचबेड़ी थाना क्षेत्र में 17 साल के किशोर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मामूली बात पर विवाद हुआ और उसके बाद बदमाशों ने पिस्टल से किशोर पर फायरिंग कर वहां से भाग। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ नामजद FIR कर लिया। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मैनपुर थाना में पदस्थ एक आरक्षक दिनेश भोसले ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अभी तक मौत के कारण सामने नहीं आया है। मामले की पुष्टि SDOP पुलिस अनुज गुप्ता ने की है। राजनांदगांव में छोरिया के कल्लू बंजारी के नजदीक सोमवार को एक तेज रफ्तार मेटाडोर के पेड़ से टकराने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक ने राजनांदगांव में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में आधा दर्जन जख्मी हो गए, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर जिले की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कॉलेज छात्रा के घर घुसकर दबंगई करने वालों का मामला सामने आया है। इसमें युवक लाठियां लहराते हुए बचाव करने वाले युवक की पिटाई कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। फ्लावर युवक अब तक फरार बताए जा रहे हैं। GPM जिले के पेंड्रा थाना पुलिस ने बैंकिंग कार्य में सहयोग करने वाले SBI की पेंड्रा शाखा में पदस्थ अखिलेश को प्रार्थी सीओ महेश प्रजापति की रिपोर्ट पर बैंक से 6,40,000 रुपए निकालने का और गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रायपुर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तिल्ला नेवरा थाना क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस में ऑनलाइन सट्टे के अड्डे में दबिश देकर ऋषभ पोपटानी, पीयूष वाधवानी, नीरज लखवानी, आकाश कुमार सोनी और राजेश सोनी और गोपी मानिकपुरी को गिरफ्तार कर 10 मोबाइल, लैपटॉप, एक वाईफाई और एक कैलकुलेटर जब्त कर लगभग 11 लाख से ज्यादा की राशि जब्त की है। बालों जिले के पुरूर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिसके चलते 5 लोग घायल हुए हैं। बताया गया है कि सभी नामकरण संस्कार में शामिल होने गए थे। वापस लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। जसपुर जिले में पिंपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम लोटा पानी में 7 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजबल राम ने शराब के नशे में लात और मुक्के से पीट पीट कर पत्नी चिरगो बाई की हत्या कर दी थी। आरोपी इस मामले को दुर्घटना का रूप देने के लिए मृतका के खून से सने हुए कपड़े को छुपाकर अस्पताल पहुंच गया था। दुर्ग के पद्मापुर पुलिस ने स्कूटर से घूम घूम कर लोगों के मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेन में मोबाइल चोरी करने गए थे। उनका एक वीडियो किसी ने इंस्टाग्राम में वायरल कर दिया, जिससे उनकी पहचान हो गई। पुलिस ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 मोबाइल व 1 टैब जब्त किया है। बिलासपुर में झराभाटा मंदिर चौक स्थित सुभाष कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल में सोमवार की रात आग लगी। देखते ही देखते आग की चपेट में पूरा एक ब्लॉक आ गया। इसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दूसरी ओर से रास्ता बनाकर आग पर काबू पाना शुरू किया गया। बिलासपुर चकरभाटा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के ब्रांच हेड, पुणे में सट्टे का ब्रांच हेड और बिलासपुर के रोहित तिलवानी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल, नकद रकम जब्त किया गया है। बिलासपुर के रतनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से अश्लील गाली गलौज कर छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी अंकित पांडवा और बोला उर्फ राज भारद्वाज
पुकार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। जांजगीर जिले की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चदनिया पारा निवासी शंकर खटकवार के घर व गोदाम में दबिश देकर 47 किलो विस्फोटक अवैध पटाखा एवं नैला निवासी जय कुमार मित्तल से 18 किलो आतिशबाजी पटाखा जब्त किया है। महासमुंद जिले की बसना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टिकरापारा निवासी पटाखा व्यापारी भारत बजाज और प्रदीप खूब चंदानी के घर गोदाम में दबिश देकर भारत बजाज के कब्जे से 13,69,732 रुपए कीमत का 29 कार्टून तथा प्रदीप चंदानी के कब्जे से 5,37,133 रुपए का 15 कार्टून पटाखा जब्त कर विधिवत कार्रवाई की है। गरियाबंद जिले की छुरा थाना पुलिस ने ग्राम गांधी कोट निवासी मानसिंह साध के घर रखा हुआ पावर ट्रैक्टर पुराने इस्तेमाली चेक को चोरी करने वाले आरोपी उत्तम ध्रुव को मुखबिर की सूचना पर चोरी का मसूदा बरामद कर लिया है। मंगलवार की सुबह 6 बजे रायगढ़ कलेक्टर राणू सारू के यहाँ 12 से अधिक अधिकारी पहुंचे, जहाँ छापेमारी जारी है। वहीं दुर्ग रायपुर के देवेंद्र नगर में सीए विजय मालू, महासमुंद में अग्निचंद्राकर और अनुपम नगर रायपुर स्थित सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। इसके साथ ही माइनिंग हेड आईएसजेपी मौर्या के रायपुर स्थित आवास पर भी छापेमारी जारी है। रायगढ़ जिले में सरिया के प्रतिष्ठित फर्म मेसर्स मुरारी लाल अग्रवाल कीटनाशक दवा दुकान के पीछे का ताला तोड़ते हुए अज्ञात चोरों ने सोमवार को रात दवाई और कैश सहित तकरीबन 4 लाख रुपए का माल उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त है।